दोस्तों हाईलाइट की वीडियो देखने से पहले आप भी विराट कोहली के फैंस हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 के सातवें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 194 रन बनाए हैं। दिल्ली की ओर से शेफाली ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। आरसीबी की ओर से क्लार्क और डिवाइन ने 2-2 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत को अच्छी शुरुआत मिली। पहले विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी हुई। कप्तान मेग लैनिंग 17 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुई। शेफाली और एलिस कैप्सी के बीच दूसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी हुई। शेफाली 31 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुई। जेमिमा खाता नहीं खोल सकी। एलिस कैप्सी ने 33 गेंद में 46 रन बनाया। कप ने 16 गेंद में दमदार 32 रन बनाए। जेस 36 रन बनाकर नाबाद रही। दिल्ली के टीम 5 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाता है। फिर बेंगलुरु के टीम 194 रनों के लक्ष्य के पीछा करने के लिए स्मृति मंधाना और डिवाइन आता है। डिवाइन 17 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो जाता है। स्मृति मंधाना 43 गेंद में 73 रनों की शानदार पारी खेलता है जिसमें 10 चौका और 3 छक्का शामिल होता है। फिर स्मृति मंधाना केप के गेंद पर आउट हो जाता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का विकेट लगातार गिरने लगता है। बेंगलोर के टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाते हैं और यह मुकाबला बेंगलुरु की टीम 25 रन से हार जाता है। दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट जोनासन को 3 विकेट मिलता है और केप को 2 विकेट मिलता है और यह मुकाबला दिल्ली की टीम 25 रन से जीत लेता है।